सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ शाला और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध विरुद्ध की अरजी पर निर्णय ले सकी नहीं। जस्टिस गुप्ताए कर्नाटक हाईकोर्ट चुकादो मान्य राखी हिजाब पर प्रतिबंध सामे की अपील नामंजूर करी छे। जस्टिस सुधांशु धुलियाए हाईकोर्ट चुकादो रद्द कर्यो और हिजाब पर प्रतिबंध अयोग्य ठेरव्यो। जस्टिस धुलियाए राज्य सरकार प्रतिबंध मुक्त ठराव रद्द कर्यो। खंडपीठ बन्ने जज अलग अलग मंतव्य थी हवे समग्र मामलो चीफ जस्टिस समक्ष जशे। लोकसभा बैठक पर सांसद शफीर कुर्मा ने विवादास्पद निवेदन आपता कहूं कि छोकरियों जो बुरखा वगर फरशे तो सामाजिक दूषण बढ़े। हिजाब हटावा परिस्थिति बगड़े, दूषणों बढ़े। हिजाब पर प्रतिबंध मुकवामां आवशे तो मात्र इस्लाम ज नहीं समग्र समाज ने नुकसान थशे। शफीर कुर्मा ने सुप्रीम कोर्ट ने योग्य निर्णय ले तेवी सलाह आपी भाजप पर वातावरण में अशांति उभी करवानो आरोप लगाव्यो छे। गुरुवारे सुप्रीम कोर्टना बे न्यायाधीशोए कर्नाटक हिजाब केस पर अलग अलग चुकादो आप्यो छे, त्यारे हवे समग्र मुद्दों चीफ जस्टिस ने मोकली आपवामां आवशे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आ निर्णय ने आवकारीने कह्युं कि शीख लोकोने शाळामां पाघड़ी पहेरवानी छूट छे, लोको सिंदूर लगावी मंगलसूत्र पहेरी शैक्षणिक संस्थामां आवी शके छे तो हिजाब पहेरीने केम कोई न आवी शके, भारतमां पसंदगीनो अधिकार छे। पीएम मोदीए देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भेट आपी थी। नवी वंदे भारत ट्रेन हिमाचल प्रदेश उना अंदौरा नवी दिल्ली वच्चे दौड़े। 19 ऑक्टोबर आ ट्रेन सामान्य लोगों माटे शुरू करवामां आवशे। आ साथे हवेथी दिल्ली और चंडीगढ़ की यात्रा मात्र 3 कलाक में पूर्ण थशे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी हिमाचल प्रदेश उना अंदौरा खाते चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ने लीली झंडी आपी थी, जे बाद पीएम मोदी ट्रेन की अंदर पण गया था और लोगों हाथ हलावी अभिवादन स्वीकार करी। वडाप्रधान मोदी ट्रेन में उतरिया बाद लोगों की वच्चे पहुंचा था, जहां पीएम मोदी ने जोता देखो देखो कौन आया ना नारा लाग्या था। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चूंटणी ने लई राजकीय गरमावा वच्चे पीएम मोदीए चंबा में 800 करोड़ रूपया जल विद्युत परियोजनाओं शिलान्यास कर्यो और साथ ज कांग्रेस पर निशान ताकता कहूं कि पहला की सरकारों लाभ आपती थी, जहां मेहनत ओछी लगती थी और राजनीतिक लाभ वधु मळतो हतो। दुर्गम विस्तारों में सुविधाओं सौथी अंत में पहुंचती थी। कांग्रेस अध्यक्ष पद की चूंटी उम्मीदवार शशि थरूरे कांग्रेस अध्यक्ष की चूंटी ने लई मोटू निवेदन आपता कहूं कि जे लोग परिवर्तन इच्छे छे तेओ मने मत आपशे। तेओ एम पण कह्युं कि जे लोको एम लागे कि पार्टी में बधु बराबर छे तो मने वोट न आपता। महाराष्ट्र पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चूंटणी पंच ने पत्र लखी आरोप लगाव्यो छे कि चूंटणी चिन्ह आपवामां तेमनी साथे भेदभाव करवामां आव्यो छे। उद्धव ठाकरे पत्र में 12 मुद्दाओं की बात करी छे, कहेवामां आवी रह्युं छे कि आ 12 मुद्दाओं में तेमणे चूंटणी पंच पर गंभीर आरोप लगाव्या छे। चूंटणी पंचे अंधेरी पूर्व पेटा चूंटणी लड़वा माटे उद्धव ठाकरे ने चूंटणी चिन्ह बर्निंग टॉर्च आप्युं हतुं। छत्तीसगढ़ में चाली रहे ईडी कार्यवाही वच्चे आईएएस अधिकारी और छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी सीईओ समीर बिश्नोई सहित 3 की धरपकड़ करवामां आवी छे। तेमणे रायपुर की विशेष कोर्ट में रजू करवामां आव्या और कोर्ट समक्ष ईडीए कहूं कि आईएएस समीर बिश्नोई घरे 4 किलो सोनू 20 केरेट हीरा और 47 लाख रूपया रोकड़ मिली छे। बीसीसीआई अध्यक्ष तरीके सौरव गांगुली कार्यकाल 18 ऑक्टोबरे पूरो थई रह्यो छे। रिजर्व बनी बीसीसीआई नवा प्रमुख बनशे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड प्रमुख तरीके सौरव गांगुली सफर समाप्त थवा पामी छे। सौरव गांगुली स्वीकार्यु छे कि बीसीसीआई प्रमुख तरीके बीजी इनिंग रमता जोवा नहीं मळे, ते अन्य कोई मोटा काम पर ध्यान आपशे। सौरव गांगुलीए भारत माटे रम्या ते समयने श्रेष्ठ गणाव्यो, परंतु अहेवालोमां सौरव गांगुलीने अध्यक्ष स्थाने राखवा बीसीसीआईमां समर्थन मळ्युं नथी तो पूर्व क्रिकेटर रोजर बिनी कोईपण विरोध विना बीसीसीआईना नवा अध्यक्ष बने तेवी शक्यताओ छे। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर भक्तों माटे वधु एक भेट मळवानी छे। उज्जैन रेलवे स्टेशन थी महाकाल मंदिर सुधी रोपवे बनावा माटे मंजूरी मळी छे। आ 2 किलोमीटर लांबा रोपवे निर्माण में 209 करोड़ रूपया खर्च थशे। केन्द्रीय मार्ग परिवहन प्रधान नितिन गडकरी ट्वीट कर उज्जैन रेलवे स्टेशन थी महाकाल मंदिर सुधी रोपवे मंजूरी की माहिती आपी हती। संयुक्त राष्ट्र महासभा में वधु एक पाकिस्ताने नापाक कृत्य कर्यु। सभा में युक्रेन रशिया युद्ध मुद्दों चाली रह्यो हतो और पाकिस्तानी राजद्वारी मुनीर
अकरम सतत कश्मीर की स्थिति की तुलना रशिया युक्रेन युद्ध साथ करता था त्यारे संयुक्त राष्ट्र में भारत स्थित प्रतिनिधि रुचिरा कंबोजे उग्र प्रहारों करता कहूं कि जम्मू और कश्मीर समग्र विस्तार हमेशा भारत अभिन्न भाग है रहें। विश्वभर में मंदी भणकारा वच्चे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंडे भारत भरपूर प्रशंसा की है। तेज संस्था मुख्य इकोनॉमिस्ट पियरे ओलिवरे भारत डिजिटाइजेशन प्रयासों की प्रशंसा की है। कहूं कि भारत आ पगलू बहुत मोटू बदलाव लाश कारण कि डिजिटाइजेशन घनी बाबतों में मददरूप थी रू। दुनियाभर में मंकीपॉक्स केस में वधारो थतो जोवा मळी रह्यो छे। विश्व आरोग्य संगठन जणाव्या मुजब वैश्विक स्तर पर मंकीपॉक्स साथ जोड़ेला 70,000 थी वधारे केस नोंधाया छे। डब्ल्यूएचओ टेड्रोस प्रमुखे चेतवणी आपी छे कि भले मंकीपॉक्स केस ओछा आवे पण मंकीपॉक्स सौथी खतरनाक साबित थई शके छे। मंकीपॉक्स केस में घटाडो थाय त्यारे संकट समाप्त थतुं देखाय अने सावचेती राखवानुं टाळीए ते सौथी वधारे खतरनाक गणी शकाय। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले खाण खनिज विभाग ने केटलाक नियमों में फेरफार कर्या छे। खाण खनिज क्षेत्र ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने वेग आपवा मुख्यमंत्री महत्वनो निर्णय कर्यो छे। राज्य में जाहिर हित में खाण कामना नियमों में गुजरात गौण खनिज छूटछाट सुधारा नियमों 2022 मुजब सुधारा करवामां आव्या छे। पड़तर केसों की मंजूरी की समय मर्यादा में 3 वर्ष वधारो करायो छे। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह नवसारी उनाई की भाजपा गौरव यात्रा प्रारंभ कराया। शाह अं जनसभा ने संबोधन करता कहूं कि गुजरात कृष्ण की भूमि है तो कांग्रेस पर निशान साधता कहूं कि कांग्रेस आदिवासी समाज में कहीं नहीं करू। कांग्रेस आदिवासी समाज और गुजरात साथ अन्याय करो साथ कहूं कि भाजपा की सरकार में आदिवासी मंत्रालय बना दाहोद वलसाड और बनासकांठा में मेडिकल कॉलेज बना। अमित शाह राज्य में फरी एक बार भूपेन्द्र भाई नेतृत्व में सरकार बन सव विश्वास व्यक्त कर। केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान की अध्यक्षता में भाजपा गौरव यात्रा अरवली जिला बायड में पहुंची थी। आ यात्रा में पूर्व मंत्री दिलीप ठाकुर तेमज संगठन ना केसी पटेल पण पहुंच्या हता। भाजपे बायड में सभा योजीने जनता ने संबोधन पण कर्युं हतुं। भाजपनी गौरव यात्रा बीजो दिवस है। यात्रा देवभूमि द्वारका खंभाड़िया प्रस्थान थयुं छे। केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और किरीट सिंह की आगेवानी में गौरव यात्रा देवभूमि जामनगर और राजकोट जिला ग्राम्य विस्तारों में प्रवास करते एक दिवस में अंदाजे 141 किलोमीटर प्रवास कर्यो हतो। केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह झांझरका गौरव यात्रा प्रारंभ कराव्यो। अमित शाह कहूं कि आज गौरव यात्रा शुभ आरंभ प्रसंगे तमाम सवयानाथ की पवित्र भूमि पर जीत मेळवीशुं। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में लोकोए 20 वर्ष में विश्वास मूक्यो हतो ए विश्वास ने मोदीए पूरो कर्यो छे। कश्मीर कन्याकुमारी असम थी लई गुजरात सुधी विकास कर्यो छे। वर्ष 1990 पछी कोईपण चूंटणी में जनताए बीजेपी ने पराजय आप्यो नथी। मतदाताओं ने धन्यवाद करवानी भरोसानी आ यात्रा छे। सौराष्ट्र में पाटीदार और कोळी मतदारों ने रिझवानी कवायत बाद भाजपे दक्षिण गुजरात में आदिवासी मतदारों ने रिझवाना प्रयास शुरू कर्या छे। गुजरात गौरव यात्रा साथ आदिवासी गौरव यात्रा की शुरुआत थई रही छे। जेना भागरूपे देश गृहमंत्री अमित शाह उनाई खाते बे यात्रा प्रस्थान करावी। अमित शाह चिकनी वासदा धारासभ्य आनंद पटेल गाम उनाई खाते थी आदिवासी यात्रा हुंकार फटो। गृहमंत्री अमित शाह उनाई में बे यात्रा प्रस्थान करवा चिकनी वासदा धारासभ्य आनंद पटेल गाम उनाई थी गुजरात गौरव यात्रा तेमज आदिवासी गौरव यात्रा हुंकार भरवा आया। त्यारे अमित शाह कार्यक्रम पहला कांग्रेस कार्यकर्ताओ आनंद पटेल पर हुमला ने लई विरोध करता होवाथी वघई तालुकामांथी बे अने उनाई गाममांथी 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओने डिटेन करवामां आव्या हता। द्वारकाथी शुरू थयेली भाजपनी गुजरात गौरव यात्रा खंभाळियाना खंडोरना गाम पासे पहोंची हती। गौरव यात्रानुं भारतीय जनता पार्टीनी युवा टीम द्वारा भव्य स्वागत करवामां आव्युं हतुं। यात्रामां केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल तेमज राज्य सरकारना केबिनेट मंत्री किरीटसिंह राणा सहित मोटी संख्यामां कार्यकर्ताओ अने लोको उपस्थित रह्या हता। द्वारका जिला खंडोरना गाम थी गुजरात गौरव यात्रा जामनगर जवा रवाना थी हती। गुजरात विधानसभा की चूंटणी पड़घम वागी रहा है त्यारे नरेन्द्र मोदीए शुरू करेल गुजरात गौरव यात्रा ने गुजरात की तमाम 182 विधानसभा की बैठकों पर पड़ती करवामां आवशे। खास करीने आ यात्रा थकी गुजरात में भाजपे करेला विकासना कामों अंगे लोकोने जानकारी आपवामां आवशे। आवनारी विधानसभा की चूंटणी में भाजप जंगी बहुमत साथ जीत मेळवे ते उद्देश्य थी अत्यारथी ज भाजप द्वारा चूंटणी प्रचार शुरू कर देवामां आव्यो छे।
आवनारी विधानसभा की चूंटणी मामले ईवीएम मुद्दे कांग्रेस प्रमुख जगदीश ठाकुर निवेदन कर्यु हतु। जगदीश ठाकुर कहूं कि भाजप जेटला अने जेवा मशीनों लावा होय एवा लावे, अमे एवा कम्प्यूटर एंजीनियरो मूक्या छे कि एमनु गज वागवा नहीं दईए। ईवीएम फेक्टरी में गुजरात में आए त्यां सुधी चौकी मूकी छे। गुजरात में पेपर लीक थवा मामलो यथावत है, तरह आ बदा वे फरी एक बार सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में बीकॉम और बीबीएस एम फाइव पेपर लीक थता हाहाकार मची गयो। परीक्षा एक दिवस अगाउ केन्द्रों पर पेपर मोकलवाना निर्णय थी पेपर लीक थयो होवानुं मानवामां आवी रह्युं छे। छेल्ला केटलाक दिवसथी परीक्षा चाली रही है, तरह फरी बे पेपर लीक थता परीक्षा रद्द करवा माटे विद्यार्थी जणावी रह्या छे। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में बीकॉम और बीबीए नु पेपर फूटवा पर कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशीए सरकार पर आकरा प्रहार कर्या था। मनीष दोशीए कहूं कि भाजपनी सरकार में सरकारी परीक्षा थी लई कॉलेज और शाला की परीक्षा पेपर पण फूटवा लाग्या छे। विद्यार्थियों और युवा वर्ग भविष्य जोखम में मुकायो होवानो कांग्रेसे आक्षेप कर्यो हतो। भाजपनी गौरव यात्रा पर निशान ताकता कहूं कि शाला कॉलेज विद्यार्थियों पेपर न फूटे तो साचुं गौरव छे। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी खाते एनएसयूआई द्वारा पेपर लीक मुद्दे विरोध प्रदर्शन करवामां आव्यु हतु। एनएसयूआई होद्देदारों कुलपति ने रजूआत करवा पहोंच्या हता। एनएसयूआई गुजरात अध्यक्ष नरेन्द्र सोलंकी पण सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी खाते पहोंच्या हता। बीजी तरफ शिक्षण मंत्री जीतू वाघाणी इन्चार्ज कुलपति ने फोन कर्यो होवानुं सूत्रों कही रह्या छे। शिक्षण मंत्री इन्चार्ज कुलपति साथे टेलिफोनिक वातचीत में संतोष व्यक्त कर्यो हतो। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी इन्चार्ज कुलपति ने कामगीरी थी शिक्षण मंत्री नाखुश थया हता। वारंवार विवादों घेरा में सपड़ायेली सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी फरी एक वक्त विवाद में आई है। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में लेवामां आवती परीक्षा में बीबीए सेम फाइव और बीकॉम सेम फाइव प्रश्नपत्र लीक थयुं। जो कि आ मामले यूनिवर्सिटीए भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में अरजी करी है। तो बीजी तरफ पेपर लीक मामले कांग्रेस धारासभ्य ललित वसोयाए धारदार प्रहार करता कहूं कि सरकार की अणावड़त और बेदरकारी कारण विद्यार्थियों भावी साथ चीड़ा करवामां आवी रह्या छे। आ तरफ राजकोट धोराजी में पेपर लीक माटे कॉलेज विद्यार्थियों विरोध प्रदर्शन कर्यु। विद्यार्थियों जवाबदारों सामे कायदेसर कार्यवाही करवानी मांग करी हती। साथोसाथ हवे पछी पेपर लीक न थाय तेवी पण विद्यार्थियों मांग करी। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में बीकॉम नुं तेमज बीबीए नुं पेपर लीक थयुं हतुं। खेड़ा जिला में बोगस शिक्षक भर्ती कौभांड मामलो सामे आव्यो छे। ट्रिपल सी ना बोगस प्रमाणपत्र मामले मेहमदावाद तालुकाना 300 થી વધુ શિક્ષકોની સંડોવણીની શક્યતા વર્તાઈ રહી છે। મહેમદાવાદ મહુદા કટલાલ અને ગળતેશ્વરના પ્રાથમિક શિક્ષકોએ ઉચ્ચતરના લાભ માટે બોગસ પ્રમાણપત્ર રજૂ કર્યા હતા, તેમજ કેટલાક શિક્ષકો દ્વારા ખોટા પ્રમાણપત્રને બદલે બીજું સર્ટી મૂકી પચવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે। જ્યારે સમગ્ર મામલે ખેડા પ્રાથમિક શિક્ષણ વિભાગે 55 થી વધુ શિક્ષકો સામે કાર્યવાહી માટે તૈયારી દર્શાવી છે। मोरबी में कांग्रेस की युवा परिवर्तन यात्रा आयोजन करवामां आव्युं, जेमां कांग्रेस कार्यकरो बाइक लई शहर मुख्य मार्गो पर हळवद तरफ पसार थया। युवा कार्यकारी प्रमुख ललित कगथरा जिला प्रमुख जयंती पटेल सहित आगेवानो परिवर्तन यात्रा में जोड़ाया था। गोपाल इटालिया मामले दिल्ली ना मुख्य प्रधान अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर्यु हतु। गोपाल इटालिया की धरपकड़ थी गुजरात पटेल समाज में रोष फैलायो छे ते प्रकारनो ट्वीट कर्यु हतु। आपना गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने दिल्ली में धरपकड़ करवामां आवी हती। गोपाल इटालिया ना जूना वीडियो पर राष्ट्रीय महिला आयोगे फरियाद करी हती। राष्ट्रीय महिला पंचे आम आदमी पार्टी ना नेता गोपाल इटालिया की अटकायत करी। गोपाल इटालिया भाजप पर आकरा प्रहार कर्या। इटालिया ट्वीट करी कहूं कि महिला पंचना चीफ तेमने जेल में नाखवानी धमकी आपी रह्या छे। साथे तेमने सवाल उठावता कहूं कि मोदी सरकार पटेल समाज ने जेल सिवाय आपी पण शू शके छे। भाजप पाटीदार समाज ने नफरत करती होवानो पण दावो कर्यो हतो। साथे ज कह्युं हतुं कि तेओ सरदार पटेल ना वंशज छे अने जेल थी नथी डरता। मने जेल में नाखी दो। इटालिया भाजप पर आरोप करता कहूं कि तेमणे पोलीस ने बोलावी छे अने तेमणे धमकी पण आपी रह्या छे। महत्वनुं छे कि गोपाल इटालिया नो वडाप्रधान मोदी मुद्दे एक विवादित वीडियो सोशियल मीडिया पर वायरल थयो हतो, जेने लई भाजप महिला मोर्चाए महिला आयोग में फरियाद नोंधावी हती। जे मुद्दे गोपाल इटालिया दिल्ली में राष्ट्रीय महिला पंच की ऑफिस में हाजर थया हता। आ तरफ राजकोट खाते गोपाल इटालिया निवेदन मामले आपना गुजरात सहप्रभारी राघव चड्डाए निवेदन कर्यु हतु। तेओ कहूं कि गोपाल इटालिया जूना वीडियो काढ़ी भाजप सरकार दबावाना प्रयासों करे छे। चूंटणी नजीक आवता खोटी रीते गोपाल इटालिया की धरपकड़ करवामां आवी हती। दिल्ली में तमाम एजेंसीओ कोना हाथ में है ते बधा जाणे छे। गोपाल इटालियाए खोटू कर्युं होय तो धरपकड़नी कार्यवाही करवी जोईए, पण खोटी रीते दबावाना प्रयासो न थवा जोईए।
अमरेली में हिंदू देवी देवता पर विवादित निवेदन पड़घा पड़ा था। अमरेली और वडिया में यूथ कांग्रेस द्वारा मामलतदार ने आवेदन पत्र पाठवी विरोध कर धारासभ्य ने भाजप सस्पेंड कर गुनो दाखिल कर धरपकड़ करे तेवी मांग करी थी। हिंदू देवी देवता पर उत्तराखंड में भाजपा धारासभ्य विवादित निवेदन कर सायला में बीजीपीसीएल कचेरी मजूर लोगए हल्लाबोल कर दिवाली पर्व समय वारंवार वीज काप आपता मजूरी काम करता लोगोंने रोजगारी में मोटो फटको पड़ रो रोजिंदी आवक धरावता परिवारों ने सीधी असर पड़ रही है। जेने लई 100 थी वधारे महिला तेमज बाळकोना टोळाए पीजीबीसीएल कचेरी नो घेराव कर्यो हतो। बनासकांठाना बाबर तालुकाना ग्रामीण विस्तार में पंचायती वीसी हड़ताल पर उतरी जता लोकोने हालाकी वेठवानो वारो आव्यो हतो। राज्य में छेल्ला केटलाय समयथी आंदोलनो अने हड़तालनो दौर चाली रह्यो छे। लोकोना कामों अटवाया छे। लोको विविध दाखलाओ लेवा तालुका पंचायत कचेरीए जवा मजबूर बन्या छे। तलाटीओने पण 3-4 गामोनो चार्ज होवाथी तलाटीओ ग्राम पंचायतमां हाजर रही शकता नथी। चूंटणीना चोमासामां पाटीदार समाजना कहेवाता पाटीदार नेताओ मैदान में आया है। अत्यार सुधी जे नेताओ क्या देखाता नहोता अने निष्क्रिय हता तेवा नेताओं ने चूंटणीना पड़घम काने संभळाता समाज याद आव्यो छे। त्यारे एसपीजी अध्यक्ष लालजी पटेले पीएम मोदी ने 3 मांग साथे पत्र लख्यो छे। पत्र में अनामत आंदोलन दरमियान जे युवाओ सामे केस करवामां आव्या ते केस परत खेंचवा माटे वारंवार रजूआत करवामां आवी छे। तेम छतां योग्ય न्याय मळ्यो नथी। पत्र में आंदोलन दरमियान मृतकना परिवार ने सरकारी नौकरी आपवानी मांग कराई छे। विधानसभा की चूंटणी नजीक आता अमदावाद म्युनिसिपल तंत्र पर हलकत में आयु। अमदावाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशन द्वारा एक ज महीना में बे बार बोर्ड बैठक आयोजन कर प्रथम बैठक 12 ऑक्टोबरे मिली थी जारी बीजी बैठक 21 ऑक्टोबरे मिले। राज्य में आचार संहिता पहला कोर्पोरेशन बोर्ड बोला कामों ने मंजूर कर। मोरबी तालुका में हड़ताल में जोड़ायेल वीसी कर्मचारी ने छूटा कर वीसी कर्मचारी की हड़ताल मामले तालुका विकास अधिकारी परिपत्र जाहिर कर आदेश कर પોતાની વિવિધ માંગણીઓને લઈને હડતાળમાં જોડાયેલા મોરબી તાલુકાના 42 જેટલા વીસીને છૂટા કરવામાં આવ્યા હતા। બોરસદ નગરપાલિકાના રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો। બોરસદ નગરપાલિકાને સુપરસીડ કેમ નહીં કરવી એ મામલે વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો ત્યારે પક્ષકારોની અરજીને હાઈકોર્ટે ડિસમિસ કરી હતી। હાઈકોર્ટના ચુકાદા બાદ હવે બોરસદ પાલિકા સુપરસીડ થશે। બોરસદ પાલિકામાં વહીવટદારનું શાસન આવશે। 25 સભ્યોએ હાઈકોર્ટનું શરણ લીધું હતું। एमसी नवा कमिश्नर तरीके एम थेनारसे चार्ज लीधो है। अमदावादना मेयर सहित पदाधिकारी नवा कमिश्नर स्वागत कर्युं। लोचन शहरा स्थाने नवा कमिश्नर तरीके एम थेनारस नियुक्त करवामां आव्या छे। एम थेनारस अगाउ एमसी में डेप्यूटी कमिश्नर तरीके फरज बजावी चुक्या छे। અમદાવાદમાં કોર્પોરેશન ખાતે કોંગ્રેસ દ્વારા જનાક્રોશ રેલી યોજવામાં આવી હતી। અમદાવાદ શહેરમાં ખરાબ રોડ રસ્તા વરસાદી પાણીના નિકાલ તેમજ પ્રાથમિક સુવિધાના અભાવને લઈ જનાક્રોશ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। મહીસાગરના કડાણા ડાબા કાંઠા નહેર પર કેટલાક માથાભારે શખ્સો દ્વારા દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું જે દબાણ મામલે જીએસટીવીમાં અહેવાલ પસાર થયા બાદ સ્થાનિક તંત્ર જાગ્યું છે। જીએસટીવીના અહેવાલની અસર થતાં લુણાવાડા પ્રાંત અધિકારી કેએલબીસી કાર્યપાલ ઇજનેર નાયબ કાર્યપાલ ઇજનેર સહિતના બધા अधिकारी स्थल पर पहुंची तपास हाथ धरी थी। राज्य शहरी परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ करने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले वधु एक जनहितकारी निर्णय कर्यो हतो। राजकोट महानगरपालिका सुरेन्द्रनगर दूधरेज और भूज नगरपालिका ने बस सेवा संचालन माटे कुल रूपया 121 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी आपी है। राजकोट महानगर में 50 इलेक्ट्रिक बसों संचालन थई रह्यु छे ज्यारे सुरेन्द्रनगर दूधरेज नगरपालिका में 32 सीएनजी बसों संचालन कर तो भूज नगरपालिका में 22 सीएनजी बसों संचालन कर। मुख्यमंत्री शहरी बस परिवहन सुविधा अंतर्गत 500 इलेक्ट्रिक 689 सीएनजी बसों सहित 1189 बसों ने मंजूरी आप अमदावाद 625 वडोदरा 50 सूरत 400 जूनागढ़ 25 जामनगर 10 सहित 1110 बसों की मंजूरी अपाई है। जयरे आवगनी 22 नगरपालिकाओं पैकी 8 नगरपालिकाओं में 79 बस की मंजूरी समावेश थाय। भारत सरकारे सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध मूक्यो छे जेने लई लोकोमां जागृति लावा माटे पर्यावरण मित्र अने कट्स इंटरनेशनल उपक्रमे एएमए में संवाद कार्यक्रमनुं आयोजन करायुं जेमां गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुजरात व्यापारी महामंडल कट्स इंटरनेशनल अने पर्यावरण मित्रना अग्रणीओ कोर्पोरेशन अधिकारीओ तेमज प्लास्टिक विणता लोकोए भाग लीधो। कार्यक्रमनो मुख्य हेतु प्रतिबंधनुं
कायदाकीय अमलीकरण कई रीते करी शकाय ते अंगे चर्चा करवानो हतो। राज्य में आगामी त्रण दिवस सामान्य वरसाद ने लई हवामान विभागे आगाही करी छे। जेमां डांग, नवसारी, वलसाड, अमरेली, भावनगर, दीव में सामान्य वरसाद की संभावना छे। तेमज महत्तम तापमान ऊंचू और लघुत्तम तापमान नीचू रहता बेवड़ी ऋतुनो अहेसास थशे। लोकल कनेक्टिविटी थवाने कारणे त्रण दिवस में सामान्य वरसाद की संभावना छे। अमदावाद में सीजन नोंधपात्र वरसाद वरस्यो छे। ते समय शहर अलग अलग विस्तार में भूवा पड़वा की घटना सामे आवी। चालू सीजन में शहर में कुल 98 भूवा पड़िया, जेमां मध्यभाग में 15, पूर्व में 19, पश्चिम में 27, उत्तर पश्चिम में 13, दक्षिण पश्चिम में 9, दक्षिण पूर्व में 11 भूवा पड़वानी वात सामे आवी छे। शहर राणीप मास्टर स्टेशन पास भूवो 80 लाख खर्चे, राणीप में बालराम सोसायटी पास भूवो 15 लाख खर्चे, अखबारनगर बीआरटीएस बस स्टेण्ड पास भूवो 10 लाख खर्चे, पंचरत्न पार्टी प्लॉट पास भूवो 11 लाख खर्चे, सुरदारा सर्कल पास भूवो 9 लाख खर्चे रिपेर कर। छोटाउदेपुर जिला में बिस्मार रोड रस्ताओं की लोग त्राईमाम पोकारी उठाया है। पावी जेतपुर थी चलामली जतो रोड बिस्मार बन्यो छे। स्टेट हाईवे रोड सदंतर तूटी जता राहदारी ने भारे मुश्किली नो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। तेमज ताजेतर में बनेलो रोड तूटी जता स्थानिको कॉन्ट्राक्टर पर भ्रष्टाचार आचरना आक्षेप करी रह्या छे। अमदावाद शहर में मेट्रो स्टेशन स्टॉप नाम ने लई विवाद सर्जायो। मेट्रो स्टेशन प्रथम फेज में आवेल रबारी कॉलोनी मेट्रो स्टेशन नाम बोर्ड में रबारी कॉलोनी ने बदले रावारी कॉलोनी लखवामां आव्युं छे, जेने लई स्थानिको में रोष जोवा मळी रह्यो छे। आ मामले मेट्रो स्टेशन अधिकारी ने स्थानिक नेताओं ने रजूआतो करवा छतां बोर्ड में सुधारो करवामां न आवता रबारी समाज रोषे भरायो अने आंदोलन की चीमकी उच्चारी हती। पाटण शहर में पार्किंग मुद्दे हुमला मामलो छेल्ला 5 दिवस गरमायो छे। जेने लई पाटण एलसीबी पीआई सहित 3 पोलीसकर्मी सामे फरियाद नोंधाई छे। पाटण एलसीबी पोलीस कर्मचारी पर ठाकुर समाज 2 व्यक्ति ने ढोर मार मार्या आक्षेप करवामां आव्यो हतो, जेने लई पीआई सहित 3 पोलीसकर्मचारी सामे फरियाद दाखिल करवामां आवी छे। सूरत जिल्लाना बारडोली में चोरी लूटफाटनी घटनाए जोर पकड्यू छे। चोरी लूटारूने पुलिस ने पड़कार फेंकता होय तेम पुलिस मथकना विस्तार में वारंवार चोरी की घटनाओ बनी रही है। बारडोली में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार राजेन्द्र सोलंकी की कार ने गठियावे निशान बनावी थी। कार चालक कार लई बारडोली पुलिस मथक नजीक काम अर्थे आव्यो हतो, तेणे पुलिस मथक नजीक कार पार्क करी हती। कार में विविध चुकवणा माटे मुकेल ₹20 लाख भरेली बेग पण मूकी हती। तेवा समय अजाण्या शख्सोए कारना ड्राइवर साइडनो कार तोड़ी रूपया भरेली बेग तफडंची करी बाइक पर भागी छूट्या हता। नसीब जोगे हाजर एक युवके मोटरसाइकिल पीछो करता शख्सों रूपया भरेल बेग फेंकी नासी छूटा था। जो कि पीछो करता एक युवके गठियानो लाइव वीडियो पण मोबाइल में कैद कर्यो हतो। छोटाउदेपुर जबूगाम दलाजी मणजारा अपहरण कर हत्या कर घटना सामे आवी छे। जबूगाम में रहता दलाजी मणजारा नामना शख्स 10 ऑक्टोबर रोज घरे निकली गया था। जो कि घरे निकली गया पछी तेमना पुत्र नरसिंह कहेवुं छे कि कोई अजाणी व्यक्ति ने फोन करीने कहूं कि तेणे दलाजी मणजारा अपहरण कर्युं छे अने 50 लाखनी मांग करी हती, परंतु फरीथी फोन न आवता परिवारना सभ्य चिंता में मुकाई गया था। दलाजी मणजारा की शोधखोळ करवा लाग्या हता। मोड़े सुधीनी शोधखोळ बाद रात्रिना समये जीवनपुरा की सीमाथी दलाजी मणजारा मृतदेह मळी आव्यो हतो। सूरत में वधु एक महिला की हत्या थता चकचार मची गई। शहर ना मंथन पॉइंट तीजा माले थी माधुरी नामनी महिला की हत्या करेली लाश मिली आवी होवानुं सामे आव्युं छे। घटना की जाण पुलिस ने थता पुलिसे घटनास्थले पहुंची लाश ने पोस्टमोर्टम अर्थे होस्पिटल खसेड़ी समग्र बनाव मामले तपास हाथ धरी हती। अरवली भिलोडा वाकानेर गामे कूवामांथी 2 मृतदेह मळी आव्या छे। मृतदेह मळी आवता पुलिस घटनास्थले आवी मोडासा फायर विभागे मृतदेह बहार काढवानी कामगीरी करवामां आवी, जेमां एक किशोरी अने एक युवक होवानुं बहार आव्युं। बंने मृतदेह ने पुलिसे पीएम अर्थे भिलोडा कोटेज होस्पिटल खसेड़ी ओळख करवानी तजवीज